और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर कल रात को अज्ञात कारणों से 4 घरों में आग लग गई, जिससे घर में रखा हुआ कपड़ा लत्ता अनाज सब कुछ जल करके राख हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी इस अग्निकांड में झुलस गया है। एक मवेशी की भी झुलस करके मौत हो गई है। एक मोटरसाइकिल भी इस अग्निकांड में जल गई है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। ये पूरा अग्निकांड का मामला जो हुआ है श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत इकौना देहात राजापुर गांव में हुआ है, जहां पर 2:30 और 3 बजे का वक्त था रात को, और अचानक से एक फूस के घर में आग लग गई। बताया जाता है आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण किया और देखते देखते 4 घर इसकी जद में आ गए। चारों घर चारों भाइयों के बताए जा रहे हैं, जिसमें से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही इकौना की पुलिस मौके पर पहुंची। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग बुझाने का काम किया। वीडियो आप देख सकते हैं, रात के 2:30 3 बजे का है। इकौना पुलिस मौके पर है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही हैं। अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जिनके घरों में आग लगी है। ये सुबह का दृश्य है, जब लोगों को पता चला है किस तरीके से बर्बादी हुई है। आप लोग देख सकते हैं, 4 भाइयों का घर बताया जाता है कि चारों भाई जिनके फूस के घर में आग लगी है। देखिए किस तरीके से बर्बादी, सब कुछ जला हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। घर वालों का ये कहना है कि जल्दी जल्दी में लोग अपनी जान बचा करके भागे, कोई कुछ निकाल नहीं पाया। एक मोटरसाइकिल जली है, एक मवेशी जला है, एक बुजुर्ग व्यक्ति वो भी इस अग्निकांड में झुलस गए हैं, जिनको बहराइच रिफ़र किया गया है। और जितना भी सामान था घर में, कुछ सामान कोई समेट नहीं पाया। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण किया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग कैसे लगी है। हो सकता है कि ठंडी का महीना है, किसी के घर में अलाव जल रहा हो, तो उसी चिंगारी से शायद आग लग गई हो। और इस भीषण अग्निकांड में एक 55 वर्षीय व्यक्ति, जिनका नाम पारसनाथ यादव पुत्र निधि यादव बताया जा रहा है, वो बहुत ही बुरी तरीके से जल गए हैं। जिनको रात को ही इकौना CSC में भर्ती कराया गया था और उसके बाद में उनको जिला अस्पताल बहराइच में रिफ़र किया गया है। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, कई जगह पर उनका शरीर का हिस्सा जल गया है। जल्दी जल्दी में वो भाग नहीं पाए। इस भीषण अग्निकांड में लाखों का नुकसान, मवेशी भी जल गया, मोटरसाइकिल भी जल गई, ठेलिया भी जल गया, कपड़ा लत्ता अनाज वगैरह सब कुछ जल गया। एक घर में आग लगी थी, 4 घर इसके जद में आ गए। रात में 3:30 बजे के करीब में दमकल विभाग की गाड़ियां जब वहां पर पहुंची हैं, उससे पहले ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। पंकज इधर वाले, इधर थे, इधर थे, यहाँ से जल रही है, इस साइड से मारो।
आप खुद कब बंद कर रहे पानी बंद करो पानी बंद करो बात सुनो फिर पानी वेस्ट रहेगा यहाँ रुपये डालो पानी पीछे 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 आराम से आराम से आगे जाओ आपका नाम क्या है अनिल कुमार यादव कहाँ रहते हैं आप इस गांव में राजापुर रात में आग लगी है लाखों का नुकसान हो चुका है करीब तो कैसे आग लगा है अब उसके कोई ठिकाना ना है कि कसके लाख का भवा या कोई जानकारी ना आई है लगभग डेढ़ दो बजे के टाइम सब बरे लाग मोटरसाइकिल गाड़ी ठेलिया पसगोरू सब बरे लागे हम झुलस गए वहीं पिताजी झुलस गए बहराइच रेफर हैं और कोई आग के चपेट में आया है क्यों लाग के चपेट में पिताजी आए हैं गाड़ी जड़ गए गाय जड़ गए भैंस जड़ गई ही तो कैसे आग लगा ये पता यहाँ का कोई जानकारी ना ये